हेलो हाय गाइस एवरीवन, ये ऑल मोबाइल अनबॉक्सिंग में मैं आज आपको दिखाना जा रहा हूँ रेडमी के नॉट 8 प्रो। रेडमी नॉट 8 प्रो फ़ोन है जो जिसमें 64 GB और 6 64 GB है प्लस 6 128 है। दोनों वेरिएंट हैं और दोनों का अपने फीचर देखेंगे। देखो पहले ब्लैक कलर में है और ये व्हाइट कलर में, दोनों अलग अलग कलर के अंदर ये शाइनिंग फ़ोन आते हैं। बहुत ही बड़े जोरदार कैमरा क्लैरिटी वाले फ़ोन है दोनों। और अपने दोनों को दोनों फ़ोन देखेंगे, मैंने आपको बता देता हूँ इसका किस तरह का फ़ोन है दोनों कलर के हिसाब से। ये देखो Redmi Note 8 Pro है और ये कितना एकदम लाइटिंग है, जैसे कलर के साथ में शाइनिंग कर रहा है। ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त आते हैं, जो करीबन ये 6 64 GB 15 16 हज़ार की रेंज का आता है, 6 128 GB 18 19 का आता है। और ये फ़ोन दोनों फ़ोन सेकेंड हैंड और ह्यूज फ़ोन है, ओल्ड फ़ोन है। अब आप, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितने एकदम खूबसूरत फ़ोन है, उसकी कैमरा क्लैरिटी से लगेगा हर चीज़ से। अपने पूरा पूरा देखेंगे उसमें कौन सा फीचर आता है, कौन सा प्रोसेसर आता है, कितना मेगापिक्सल कैमरा आता है, क्या सेल्फी है, कहाँ पे फिंगरप्रिंट है, उसके बारे में पूरा पूरा अपने जानेंगे। इसके पहले एक बार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे वीडियो के अंत तक बना रहना, ताकि हर तरह का आपको वीडियो और पूरी पूरी जानकारी इसमें मिले वीडियो में। ये Redmi Note 8 Pro है जो 64 मेगापिक्सल, उसका पीछे का जो मेन कैमरा आता है वो आता है, और वो है 10x डिजिटल जूम के साथ में प्राइमरी कैमरा है। और इसके जो चार कैमरे हैं, दूसरे वाला नंबर वाला वो 8 का आता है और दो का आता है। उसमें 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसके अंदर, और ड्यूल LED के साथ में फ्लैश लाइट भी है इसके साथ में, और ये 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में है। देखो मैं पहले, मैं इसको फ़ोन को पूरा अपना ओपन करेंगे, ओपन करेंगे देखेंगे कि ये किस तरह का उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब तक वीडियो को एक बार अंत तक बने रहना। और आप कोई भी एक बार फ़ोन ले रहे हो तो एक बार नॉर्मल सी भी जानकारी जैसे होती है, आपने एक बार सेटिंग यहाँ से खोला और वहाँ जाके अबाउट फ़ोन खोल दोगे, तो वहीं सब लिख के आ जाएगा कि डिवाइस नाम कौन सा है, क्या मॉडल है, जैसे किस तरह लिखा है कि रेडमी 8 प्रो, और स्टोरेज इसमें क्या है तो वो लिखा है, प्रोसेसर कौन सा है, वर्जन कौन सा है, तो सारी सारी चीज़ें वह नॉर्मली एक बार फ़ोन में भी आपको दिखा देती है। और अदरवाइज भी आपको जानकारी चाहिए तो जैसे आप अपने एक बार कभी MI नंबर चेक करते हैं, तो जैसे ये मैंने देखो इस तरह दबा रहा हूँ, ये वीडियो में आपको दिखा दिया कैसा दबाया, फिर आपको MI नंबर निकल गया। तो इस प्रकार से आप अदरवाइज भी कई छोटी बड़ी जानकारी होती है तो आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। ये जैसे MI नंबर निकाला इस तरह का, बाकी अगर इसके ये साइड में है, ये देखो ऑन ऑफ का स्विच है, ये ऑन ऑफ का, और यहाँ पे प्लस माइनस का दोनों है। और पीछे का ये चार कैमरे प्लस फिंगरप्रिंट के साथ में दिया हुआ है, और ये LED फ्लैश है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, देख लो। और यहाँ से टाइप सी का चार्जर, उसके अंदर 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, प्लस ये स्पीकर का जगह, यहाँ पे एयरफोन जैक की है, और ये वाइट कलर के अंदर फ़ोन है। दोनों फ़ोन सेम है, खाली कलर के हिसाब से मैंने दिखाया है और GB के हिसाब से। देखो इसके साथ भी ये पूरा बॉक्स के साथ ये फ़ोन है, और ये वाइट कलर का फ़ोन है, और कैमरा बहुत अच्छा था ये फ़ोन, कैमरे के मामले में से लगाकर, हर चीज़ से लगाकर, प्रोसेसर लगाकर गेमिंग फ़ोन में से आता है ये। अब मैं आपको उसके अंदर दिखाने वाला हूँ MediaTek Helio G90T का, उसके अंदर प्रोसेसर आता है और उसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले आती है, और 6 GB 64 GB आता है, 6 128 भी आता, और वेरियंट दो आते हैं उसके अंदर, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में उसकी जो डिस्प्ले है उसकी जो आती है। और ये फ़ोन बहुत अच्छा है, कैमरा क्लैरिटी से लगा, उसकी जो सेल्फी कैमरा है वो 20 20 के आती है, और फुल HD के साथ में वो भी 45 mAh की बैटरी आती है, और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर है USB Type-C के साथ में।